शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया है एक जानलेवा हमले का वाकया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इमरान शरीफ नामी शख्स पर प्रॉपर्टी को लेकर किया गया है उन्हीं के घर पर हमला, जिसके बाद इमरान शरीफ ने अपना बचाव करते हुए पुलिस को तलब किया। पुलिस ने फौरन इमरान शरीफ को उस्मानी हॉस्पिटल पहुंचकर एमएलसी की रिपोर्ट तलब की। आइए इमरान शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया है, देखते हैं। ज्यादा अपडेट्स और न्यूज के लिए देखते रहिए जेड नो टीवी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। मेरा नाम मोहम्मद इमरान शरीफ है, मेरा भाई कनाडा में रहता है। वो लोग बहुत दिन से सता रहे थे मेरे को, धमकियाँ दे रहे थे जान से मारने की। इसलिए घर के लिए। किसका घर है वो? घर हम सब घर वालों कंट्रीब्यूट करके घर खरीदे थे जी, सब पैसे डालकर। मगर वो रजिस्ट्री उनके नाम थी तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने तो मुझे हरासमेंट कर रहे थे और कई दिनों से कनाडा से धमकी दे रहे थे। उनके ससुर जिसका नाम अली है, उन्हें ऑलरेडी रेप एक्यूज है, वो माइनर गर्ल का रेप एक्यूज है। उन्हें ट्रेन बाजार पी एस लिमिटेड में उसका चल रहा केस। कौन है वो? अली। अली नाम है एक्यूज। इनके ससुरे? उनके भाई के ससुरे। अच्छा। वो लोग अली मॉर्निंग सुबह में आए, मेरे डोर का दरवाज़ा नॉक करे, अचानक से अंदर घुसे, पूरे मिलके 10-12 मिलके मारे। कहाँ पे? सैदाबाद में मेरा घर जी। कंप्लेन हो गई? कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करके अभी यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ जी। कितने लोग थे सर? 5-6 लोग थे कम से कम। अब आप अकेले थे घर में? मैं घर में था, मेरी वाइफ थे और तो मेरी मदर है, सबको धमकी दिए। हमला किस पे करे? हमला नहीं, लेडीज़ पे भी हमला करे। मैं बचाने गया, वो ज़्यादा मेरे को मार लग गया। वो तो ऐसा कैसा मारे? वो लोग हाथों से कुछ हथियार थे? घर में जिम के रॉड्स थे और चाकू भी थी जी। वो लोगों के पास चाकू भी थी, जिम के रॉड्स थे, जो जो हाथ में मिला लेके मारते गए मेरे को जी। उसके बाद मैं डोर को लॉक कर लिया मैं। वो लोग मारने जान से मार देने के मंसूबे से आए थे तो डोर को लॉक करने के बाद कंसर्न पीएस को फ़ोन किया मैं। वो लोग पीएस घर पर आए और वो लोग भी फ़ोन करे पीएस में। अब आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, जस्टिस होना मेरे को पीएस में, क्योंकि ये लोग घर पे कब्जा करना चाह रहे। घर है किसका? हो घर हम सब घर मेरे मदर का है घर। आपके नाम पे है घर? वो मेरे नाम पे नहीं, मदर के नाम, मदर का है घर। जी, आप फिर हमला करने की वजह आपको? नहीं, मेरे निकालने के लिए रह रहे हैं यहाँ पे। घर में रह रहे थे हम लोग जी, जी। घर में से घर खाली कर दो, ये घर मेरा है बोल रहा लैंडग्रा पर। वो जो रेपिस्ट है ना अली, वो बोल रहा घर से निकल जाओ, नहीं तो अब ये ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, अब तुमको जान से मारना है, बल्कि धमकी दे के गया मेरे को। उसका बेटा अरबाज, उसका बेटा एक नाम है अरबाज नाम है उसका। मारने वालों का नाम क्या? एक का नाम अरबाज है और अली है एक का नाम, बस दो बाकी लोगों के नाम नहीं मालूम मेरे को। केस बुक हुआ आप लोग? अब कह रही कार्रवाई चल रही केस की मेरे को। अच्छा, पीएस वाले कॉपरेट कर रहे हैं सदाबाद पीएस जी। डॉक्टर हॉस्पिटल डॉक्टर यहाँ के लिए बोले, अभी रेस्ट करो, यहाँ का ट्रीटमेंट करवाना है क्योंकि मेरे को आँख से दिख रहा नहीं और आँख पे भी लगे मेरे को टोटल 12-15 टाके लगे कान के पास, पीछे कान के पास नाइफ से मारे। और ENT सर्जन को बताना है अभी। आप क्या करते हैं? आपका क्या है? मेरा बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स का, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, खरीदता हूँ बेचता हूँ भाई। देखिए भाई, मैं इमरान, हाँ इमरान मेरे दोस्त है, इमरान मेरे दोस्त है, वो घर में अकेले थे। इनके भाई जो कनाडा में रहते, भाई का नाम क्या है? वाजिद शरीफ जो इनके भाई है कनाडा में रहते, इनको बहुत दिन से जो है सो इनको लाइफ थ्रेट दे रहे थे उनके भाई के ससुरे और उनके भाई के साले। वो सब मिलके आज सुबह में आके इनके घर के ऊपर, इनके अम्मा के सामने, ज़ईफ अम्मा के सामने इनके ऊपर हमला करे, इनको जान से मारने की कोशिश करे और 4 से 5 लोग मिलके इनको मारे। इनको मारने के बाद में इनकी हालत ऐसी हो गई कि अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो है ना कमरे में जाके डोर लगा लिए, नहीं तो इन्होंने मर जाते थे। बस अल्लाह इनकी हयात थी, अल्लाह इनको बचा लिया, समझे ना। तो वैसी हालत में इनको उस्मानिया लेकर आए, पहले पुलिस स्टेशन को गए तो पुलिस स्टेशन सैदाबाद पीएस वाले अच्छा कोऑपरेट करे, वो लोग बोले पहले उस्मानिया को लेके जाओ, जाके इनका पूरा जो भी उस फॉर्मेलिटीज़ रहते उस्मानिया के वो कर लेके फिर सैदाबाद पीएस को आने के लिए बोले। तो हम लोग वही रूल्स फॉलो करके अभी उस्मानिया में आए, आके उस्मानिया में आके डॉक्टर्स तो जो है सो इनको देखे, इनकी आँखी में जो है सो थोड़ा मेजर जो है ना मार पड़ा, इनको दिख रहा नहीं आँखी से, और इनके कान के पास जो है ना तलवार से या चाकू से मारे हुआ है पूरा, तो कान पूरा फट गया इनका, और बॉडी में जो है ना रॉडों से मारे इनके। तो बस जान से मारने की कोशिश करें इनको, नाकामयाब हो गए वो लोग।
नाकामयाब हो गई है, प्रॉपर्टी का इशू है, बस अल्लाह ये प्रॉपर्टी के इशू से फैमिलियों में जो है ना जो दरार पड़ जा रही है, इससे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, जो है ना भाई भाई का दुश्मन बन जा रहा है ये प्रॉपर्टियों की वजह से, समझे ना। वो भाई जो इनका है वो 25-30 साल से कनाडा में है, भाई को हर तरीके से ये भाई सपोर्ट करा 25-30 साल से, अम्मा को भाई को घर को हर चीज़ पकड़ लेके रहे, उन्होंने बीच में होशियारियाँ करके उन्होंने अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिए, तो हर तरीके से जो है ना छोटे भाई को टॉर्चर करके इनको टोटली घर से बाहर कर देने के चक्कर में हैं, इनको इनकी बीवी को इनको मार के तोड़ के हर तरीके से कोशिश कर लिए, आज जान से मारने की भी कोशिश कर दिए। अब इनको क्या जस्टिस होना है साहब, आपसे मीडिया से एक ही हमारी गुजारिश है, अब इनकी तो बात करने की ज़्यादा ताकत नहीं है, कि आप लोग जो है ना हमारी सैदाबाद पीएस से भी और एमएलए साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी कि इनके केस में जो है ना स्ट्रांगली हमारी हेल्प करें। ये इंसान कभी कोई इनके ऊपर जो है ना कोई ऐसा कोई क्रिमिनल ऐसा कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड, कोई पीडी एक्ट नहीं है, ऐसा कोई चीज़ से जो है ना इन्वॉल्व नहीं है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारे आज तक, इनकी जान के ऊपर हमला हुआ, बस उसी का इंसाफ चाहिए और इनको मदद मिलना है हुकूमत से, तेलंगाना सरकार से, बस अल्लाह से यही कोशिश है कि इमरान भाई को इमरान भाई का जस्टिस मिले। शुक्रिया।